अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, इस क्लास में कुछ मज़ीद फीचर्स पे काम करेंगे जिनका इस्तेमाल हमारे प्लान में बेपना होगा, बे इंतहा इस्तेमाल जिनका होगा हमारे पास, उनका मैं दरअसल आपको सिखाने जा रहा हूँ काम। एल प्रेस कर दिया, एंटर कर दिया मैंने लाइन क्रिएट करने के लिए। कहीं भी मैं फर्स्ट पॉइंट बता दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर फर्स्ट पॉइंट बता देता हूँ, और ये मैंने अपना ऑब्जेक्ट की क्रिएशन शुरू की। ठीक है, मैंने देखें इस तरीके से एक लाइन ड्रा की, जितने भी बड़े साइज़ में, थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ ताकि और मज़ीद थोड़ा सा अब सही है थोड़ा सा, ठीक है ना। अब मैं इसको बना देता हूँ 10 फीट की लाइन। देखिए मुझे नज़र भी आ रही है मेरी डायनामिक वैल्यू, लेकिन मैं लिख भी सकता हूँ 10 फीट और ऑटोमेटिकली वो 10 फीट की मेरी लाइन क्रिएट हो जाएगी। और एंगल भी आप साथ डिफाइन कर सकते हैं, यू नो। मैं एट द रेट लगाता हूँ, मैं लिखता हूँ जनाब 10 फीट और लेस देन लगा के मैं लिख देता हूँ 0 0 का एंगल और इंटर कर देता हूँ, तो एकदम 0 के एंगल पर 10 फीट की लाइन मेरे पास बन के आ जाती है। फिर मैं स्केप दबा देता हूँ। उसके बाद अब मैं दोबारा एल प्रेस करता हूँ, और एल प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, नीचे ले आता हूँ। इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा एक मिनट, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, उसको थोड़ा सा बड़ा करने के लिए मैं यहाँ पे ले आता हूँ, लेकिन देखिए थोड़ा सा बाहर निकल जाता है, थोड़ा सा ये बाहर निकल जाता है। इसके लिए आपको कमांड दी गई है, जब अगर कोई एरिया आपका कोई कोना बाहर निकल रहा हो, या लाइन की आपकी जहाँ आपकी लाइन क्रॉस हो रही होगी ना, वहाँ पर उस एरिया के लिए आपको कमांड दी गई है, जिसे हम कहते हैं क्या, ट्रिम। टी आर प्रेस करें तो ट्रिम एक्टिव हो जाता है। देखिए ये आपके पास है, ये इधर ये ट्रिम है, ट्रिम के अंदर एक्सटेंड भी है, एक्सटेंड पे भी काम करेंगे, लेकिन फिलहाल ट्रिम पे काम करते हैं। मैंने ट्रिम पे क्लिक किया या टी आर प्रेस कर दिया, बातें किए। देखिए मुझसे कहता है ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, मैं एक और स्पेस लगा देता हूँ फुल फंक्शनैलिटीज़ के साथ, और ऑटोमेटिकली अब देखें मैं इसे भी ट्रिम कर सकता हूँ, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट भी क्रॉस हो हमारा, लेकिन एक्चुअली मुझे इसे ट्रिम करना था, इसे मैंने ट्रिम कर दिया और मैंने इसे ट्रिम कर दिया। अब देखें ये ऑब्जेक्ट ट्रिमेबल नहीं है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट क्रॉस नहीं हो रहा, बल्कि जुड़ने के बाद मुड़ रही है, अगली लाइन जो मुड़ रही है, क्रॉसिंग नहीं हो रही। जहाँ जहाँ क्रॉसिंग होगी ये ट्रिमिंग जो इसे बराबर कर देता है, यह है फ़ायदा ट्रिम का। मैं आपको दोबारा बताता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे जैसे कि मैंने ये रेक्टेंगल ले लिया, मैंने ये ड्रॉ कर दिया, उसके बाद देखें क्रॉसिंग क्या हो रही है, ये और ये क्रॉस हो रहा है ना, शेप बुरी लग रही है। आप टी आर प्रेस करें, स्पेस लगा दें, एक और स्पेस लगा दें, उसके बाद देखें इसे आप ट्रिम कर दें, उसे आप ट्रिम कर दें, देखें ठीक है ना, क्रॉसिंग खत्म। अब आप इसे भी ट्रिम कर सकते हैं, क्योंकि क्रॉसिंग देखें ये लाइन मिल रही है, ये लाइन क्रॉस होकर जा रही है ना आगे, तो आप इसे यहाँ से ट्रिम कर दें, और आप इसे ये लाइन देखें यहाँ से कंटिन्यूसली आगे बढ़ रही है, ये भी ट्रिम कर सकते हैं आप, और ये भी ट्रिम कर सकते हैं आप, इसे ट्रिम कर दें, देखिए ठीक है। ये है ट्रिमिंग, बहुत सिंपल सी लॉजिक है ट्रिम की, ट्रिम बेइंतहा आसान है आपके पास। तो मैं सर्कल पे भी अप्लाई कर सकता हूँ। मैंने सर्कल ड्रॉ किया, देखिए सर्कल हमारा क्रॉस कर रहा है, जहाँ से भी हमारा सर्कल क्रॉस कर रहा होगा, जो भी चीज़ को आप ट्रिम करना चाहें, सर्कल क्या एक सिंपल आपने लाइन भी ड्रॉ कर दी, ठीक है इस तरीके से, ठीक है ना। अब आप टी आर प्रेस करें, स्पेस लगा दें। अब आप सोचें आपने ट्रिमिंग कहाँ से करनी है, स्पेस एक और स्पेस लगा दें, ये एरिया ट्रिम करना है आपने, ये एरिया आपने ट्रिम करना है, फिर आप कहते हैं मुझे ये भी ट्रिम करना है और मुझे ये भी ट्रिम करना है, ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है, और ये भी ट्रिम कर दें आप, फिर आप ये भी ट्रिम कर दें, ठीक है। देखिए एक शेप इसके साथ जुड़ गई, फिर आप चाहें तो ये ट्रिम कर दें और ये ट्रिम कर दें, या फिर ये ट्रिम कर दें, वट एवर यू वॉन्ट। मैं कहता हूँ ये ट्रिम हो जाए, या मैं कहता हूँ ये और ये ट्रिम हो जाए, ठीक है। इस तरीके से देखें पीछे चला गया, ये देखें एक शेप इधर बन के आ गई है। सो इस तरीके से हम ट्रिमिंग मेथड्स को, अभी मैं इसे भी ट्रिम कर सकता हूँ, इसे भी ट्रिम कर सकता हूँ, लेकिन इसे भी ट्रिम कर सकता हूँ, तकरीबन तमाम ऑब्जेक्ट्स ट्रिम हो सकते हैं, लेकिन ये ट्रिम नहीं होगा। क्यों? देखें ये ट्रिम हो जा रहा है, ये यूँ ट्रिम हो रहा है, क्योंकि देखेंगे क्रॉस हो रहा है, लेकिन ये एरिया, ये ऑब्जेक्ट जो है ट्रिम नहीं होंगे, ठीक है, ये ट्रिम हो जाएंगे, क्योंकि ये लाइन यहाँ से भी और यहाँ से भी जुड़ रही है, वरना ये सिंपल ऑब्जेक्ट्स ये वाले आपके ट्रिम नहीं होते हैं, ठीक है। जबकि ये बड़ा सा सर्कल, ये भी ट्रिमेबल है आपके पास, ये देखिए एक शेप आ गई। कंट्रोल जेड कर दें आप, या अंडू पे क्लिक कर दें तो अंडू भी हो जाता है, इसमें अंडू का ऑप्शन भी इन्होंने आपको दिया हुआ है। सो मेरे ख्याल में आपको ट्रिमिंग के हवाले से जो मैंने समझाया, छोटा सा ये काम समझ में आया होगा। अब बात करते हैं एक्सटेंड की। एक्सटेंड क्या होता है? एक्सटेंड होता है दरअसल, मैंने लाइन खींची, इधर भी लाइन खींची, इधर भी लाइन खींची मैंने, और इधर मैंने लाइन खींची, यूँ मैंने लाइन खींच दी, लेकिन देखें मिल नहीं पाया ये। अब मैं एक्सटेंड के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और एक्सटेंड पे क्लिक कर दूँगा। मैंने एक्सटेंड पे क्लिक किया, ऑब्जेक्ट स्पेस एक और स्पेस लगा दें ताकि फुल फंक्शनैलिटीज़ खुल जाए, ट्रिम की भी और एक्सटेंड की भी। फुल फंक्शनैलिटीज़ जब खुल जाएंगी तो देखें ये इस पर काम नहीं करेगा एक्सटेंड, क्योंकि ऊपर कोई लाइन नहीं है। एक्सटेंड दरअसल आपकी लाइन को लंबा कर देता है वहाँ तक जहाँ तक अगला ऑब्जेक्ट आपका शुरू नहीं हो रहा होता, लेकिन इस लाइन की सीध में एक लाइन है ना, तो देखें इसमें जब मैं माउस लेके जाऊँगा तो एक्सटेंड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो देखें मतलब आपकी लाइन है, इसको समझा हम आधा आधा हिस्से में अपने मेंटली हम तस्वुर कर लेते हैं। अब अगर मैं इस हिस्से पर आऊँगा मतलब राइट हैंड की तरफ आऊँगा, लेफ्ट हैंड की तरफ आऊँगा, तो लेफ्ट की सिम मेरी लाइन बढ़ेगी, एक्सटेंड होगी, और राइट की सिम में जाऊँगा तो राइट की सिम में एक्सटेंड होगी। आप देख सकते हैं अब ये लाइन जो है राइट की सिम में एक्सटेंड हो रही है, जहाँ तक उसे ऑब्जेक्ट नहीं मिलता। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये लाइन ड्रा हो गई। अब मजीद देखिए एक्सटेंड यहाँ इस तरफ को एक्सटेंड मजीद नहीं होगी, कितना भी आप क्लिक कर दें, क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट ही नहीं है।
लेकिन जब आप इसे आधे को क्रॉस कर जाएंगे तो इस तरफ एक्सटेंड होगी, इधर ये भी एक्सटेंड हो रही है, मजीद एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन अब मजीद नहीं होगी। अब ये लाइन ब्लॉक हो गई ना, पीछे की जाने ना आगे की जाने भी एक्सटेंडिंग नहीं होगी इसमें, ना इसमें होगी, इसमें एक्सटेंडिंग हो सकती है क्योंकि आगे तक ये हमारा सर्कल है ना, आगे ऑब्जेक्ट हमारा मौजूद है। इस पर आप क्लिक कर दें और आप इसे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इसे एक्सटेंड आप कर सकते हैं पीछे की जाने, ठीक है, इस तरीके से। और इस पर आप क्लिक करेंगे तो ऊपर की जाने मजीद और मजीद, अब मजीद आप एक्सटेंडिंग इसे नहीं कर सकते लेकिन आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। नीचे की जाने एक्सटेंड नहीं होगी, ऊपर की जाने एक्सटेंड होगी लाइन, इसी तरीके से ये नीचे की जाने होगी और मजीद ये पॉसिबल है, ठीक है, ये मजीद इस तरफ जा सकती है, मजीद इस तरफ जा सकती है, अब मजीद ये लाइन नहीं एक्सटेंड हो सकती कहीं भी, जबकि ये एक्सटेंड हो सकती है, ये एक्सटेंड हो सकती है, ये मेरे ख्याल में एक्सटेंड, ये देखें एक्सटेंड नहीं हो रही है क्योंकि इसकी सीध में, एक मिनट, लाइन जो है इसकी सीध में नहीं मिल रही, काफ़ी ऊपर जाके मिल रही है बाय द वे। अच्छा जी, इस तरीके से आप एक्सटेंड कमांड पर काम कर सकते हैं। इसे आपने इस तरीके से एक्सटेंड किया, ठीक है, इसे आपने एक्सटेंड किया, फिर मजीद एक्सटेंड किया और आपने मजीद एक्सटेंड किया और फाइनली आपने इसको फाइनल शेप में पहुँचा दिया। इस तरीके से आप एक्सटेंडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, जहाँ तक लास्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा वहाँ तक ये एक्सटेंडिंग पॉसिबल है, ठीक है ना, जबकि ये लाइन एक्सटेंड नहीं हो सकती हैं। सो मेरे ख्याल में आपको एक्सटेंडिंग भी समझ में आई होगी और साथ साथ आपको ट्रिमिंग भी समझ में आई होगी। अब इंशाल्लाह ताला मैं ज़रा इसमें TR प्रेस करके मजीद ट्रिमिंग कर देता हूँ। जैसे मैंने देखिए इसे एक और स्पेस दबा दें, दो दफ़ा स्पेस दबाएंगे ट्रिमिंग है ताकि तमाम ऑप्शन हमारे फंक्शन ओपन हो जाए और डायरेक्टली हमें ऑब्जेक्ट ना सेलेक्ट करना पड़े, हम सिंपली हम इसे ट्रिम कर सके, देखें, ठीक है, इस तरीके से। दरअसल ट्रिमिंग में भी इसमें मैं ट्रिमिंग की भी कुछ टिप्स मैं अप्लाई कर दे रहा हूँ ताकि आपको ट्रिमिंग में भी प्रॉब्लम ना रहे। सो हम और क्या करते हैं, मैं एक तो यहाँ पर इसे यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ, ठीक है, बारीक से बारीक आप ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर सकते हैं, एक आप इसे यहाँ से ट्रिम कर दें, ठीक है ना, उसके बाद आप ये भी ट्रिम कर सकते हैं, ये भी और ये भी, जो आप ज़्यादा चाहे आप ट्रिमिंग कर सकते हैं, तो देयर इज़न्ट एनी प्रॉब्लम, एक आप इसे ट्रिम कर दें, ठीक है। सो इस तरीके से हम ट्रिमिंग और एक्सटेंडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एस्केप दबा दें, सिंपली आपके पास ट्रिमिंग भी डीएक्टिवेट हो जाएगी, चाहे ट्रिमिंग हो चाहे एक्सटेंडिंग हो, तमाम कमांड्स जो आपके पास अब तक ऑटो कैड में मैंने समझाई है ना, सब के सब एस्केप पर आपकी डीएक्टिवेट हो जाती हैं। सो बाय द वे, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, मुझे ज़्यादा दीजिए, अल्लाह हाफिज़।